नेटवर्क कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। चलो जैसा भी चले ठीक है। अपनी देश में चल रही है भैया कि ज्ञानम कमल सा, विषय तो बहुत गंभीर है। अपन कह तो रहे हैं भैया कि ज्ञान का स्वभाव कमल की तरह निर्लिप्त, ज्ञान का स्वभाव कमल की तरह निर्विकार है, ज्ञान सदैव कमल की तरह खिला हुआ है। लेकिन भैया जैसा अपन कह रहे हैं क्या वैसा अपने को स्वीकार हो रहा है? क्या जो बात अपन कह रहे हैं, जिस सत्य का अपन उच्चारण कर रहे हैं, क्या वह सत्य अपने को स्वीकार हो रहा है? बस इतना सा अंतर से, अंतरात्मा से सिर्फ इतना सा देखो अंतर से, क्या कि अपन कह तो रहे हैं कि ज्ञानम कमल स्वभाव, ज्ञान तो कमल स्वभाव वाला है, ज्ञान का स्वभाव तो कमल की तरह निर्लिप्त है, ज्ञान का स्वभाव तो कमल की तरह निर्विकार है। लेकिन भैया जिस सत्य को आप दोहरा रहे हो, जिस सत्य को आप उच्चरित कर रहे हो, क्या आपको सत्य पे विश्वास है? इस सत्य को आप कह रहे हो कि ज्ञानम कमल स्वभावम, जिस सत्य को आप उच्चरित कर रहे हो, क्या सत्य पे आपको खुद आस्था है कि ज्ञान का स्वभाव तो कमल स्वभाव? क्या जिस सत्य को आप कह रहे हो, क्या आपको उसमें स्वयं आस्था है? है? कहना बहुत सरल है भैया, लेकिन आस्था होना कठिन ऐसा तो नहीं कहेंगे, कठिन तो कोई काम नहीं मोक्ष मार्ग में, लेकिन आस्था होना, स्वीकारता होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये जीव के जीवन में यदि सत्य की स्वीकारता हो जाए कि मैं ज्ञायक ही हूं, ज्ञायक ही मेरा स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा मैं परिपूर्ण चैतन्य तक परमात्मा ही हूं, यदि जीव के अंतर हृदय में इसे तत्व की स्वीकारता हो जाए तो भगवान आत्म साधना में मोक्ष मार्ग में कोई बड़ी भारी कोई समस्या नहीं आई। स
सत्य है ये बात, आप बिल्कुल इस बात को अपने अंदर से निश्चय से ग्रहण कर लो कि यदि आपको इतना सा श्रद्धान हो जाए कि मैं ज्ञायक ही हूं, इतना सा यदि आपके अंतर हृदय से स्वीकार हो जाए तो मोक्ष मार्ग में कोई भी व्यवधान उत्पन्न होने वाला नहीं। अब देखो इस बात को थोड़ा सरल करके बताते हैं, थोड़ा और सरल कर रहे हैं कि भैया अपन सुन तो रहे हैं कि हम ज्ञायक हैं और जितना अपने से हो रहा है उतना अपने सत्य को समर्थन भी दे रहा है कि हाँ भैया जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि मैं ज्ञायक है, जिनेन्द्र देव की वाणी में आया है कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूं। अपन अपनी जितनी सामर्थ है उस सामर्थ उस शक्ति के अनुसार अपन अपने समर्थन तो दे रहे हैं। अपनी जितनी सामर्थ है अपन जितना ज्ञान उपयोग कर सकते हैं, ये एक टाइम नहीं, दो टाइम नहीं, तीन टाइम नहीं, चार टाइम नहीं, जितना अपन ज्ञान उपयोग कर सकते हैं, जितना अपन जिन अमृत को ग्रहण कर सकते हैं, वही हम उतना दे तो रहे हैं, हम उतनी पूरी शक्ति तो लगा रहे हैं। हम यहाँ तत्व देशना में आके जिन भगवान की वाणी को सुन के वही हम पूरा अभ्यास तो कर रहे हैं। काहे का अभ्यास कर रहे हो कि मैं ज्ञायक हूं, इस सत्य को स्वीकार करने का पूरा अभ्यास तो कर रहे हैं, हम कमी तो कहीं कर ही नहीं रहे भैया। सही बात है, इसकी तनबोध ना करेंगे ना अपन, ये सही बात है। अपनी तरफ से आप जितना पुरुषार्थ दे रहे हो, अपनी तरफ से आप जितना समय शक्ति उपयोग लगा सकते हो आप लगा रहे हो, लेकिन अब साधना से चर्चा करें थोड़ी सी कि भैया देखो जीव चेतन में तत्व है, चेतन में शक्ति है, और ये चेतन में शक्ति जो है ये आत्मा, ये वीतराग स्वभाव, ये ज्ञायक तत्व, क्या आपको इस चेतन में शक्ति का बोध है? बोध होने, बोध की बात चल रही। जीव चेतन में सत्ता है, जीव चेतन में शक्ति है, लेकिन क्या आपको ऐसे चेतन में शक्ति होने का बोध है कि हाँ मैं वो चेतन में शक्ति हूं? अभी कैसा बोध, किस प्रकार से बोध? देखो भैया आप अजीब को जानते हो, कौन है अजीब? हम तो पूछ रहे हैं अजीब कौन है, बस आप ये बताओ मेरा वैसा लिख दिया, अजीब कौन? मेरी जीव, मेरी शाश्वत ध्रुव चेतना को छोड़ के इस त्रिलोक में जितनी भी वस्तुएं हैं वो अजीब हैं, ठीक है? मन अब देखो अब सब की नैया ढोल गई, हम तो एक प्रश्न का जवाब पूछ रहे हैं, मन जीव है अजीब? आप तो सिर्फ एक बात कहूंगा, अजीब है, 100% अजीब है। ये जितनी भी क्या बोलते हैं द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से जितने भी राग परिणाम, देश परिणाम, कर्तव्य परिणाम, भोक्तव्य परिणाम, विषय वासना के परिणाम, जितने भी ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं संसार में जो परिभ्रमण करा रहे हैं, ये सारे परिणाम जीव है अजीब? बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं आप, ये सब मृत अवस्था है, ये पूरा अजीब का परिणाम है, ये पूरी अजीब में दशा है, पूरा कर्म, कर्म आवरण, मन की दशा, वचन की दशा, काया की दशा, ये राग परिणाम, देश परिणाम, कर्तव्य परिणाम, भोक्तव्य परिणाम, ये सारा का सारा परिणाम मात्र अजीब है। तो चेतन इस अजीब रूप परिणाम के चलते हुए, इस राग रूप परिणति के चलते हुए, इस मोह रूप परिणति के चलते हुए, इन कर्तव्य भुगतत रूप परिणाम के बीच में इनके चलते हुए, क्या तुझे ये बोध आता है कि मैं जीव हूं? खुद कह रहा है भैया मन अजीब है, खुद कह रहा हूं कि वचन अजीब है,
खुद कह रहा है कि काया अजीब है, खुद कह रहा है कि राग देश विकृत परिणाम अजीब है, खुद कह रहा है कि विषय वासना इंद्री विषय स्पर्श रस गंध ये जितना भी पुद्गल प्रपंच दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा अजीब है, जीव नहीं है। जीव जीव बोली की क्या, जीव जीव बोली क्या बोला भैया, और मैंने अस्त्र कहा था ना, जीव भूला गुण भूला, जीव भूला है तो अपने चेतन में गुण को भूला है, जीव भूला है तो अपनी चेतन में शक्ति को भूला है, जीव भूला है तो अपने जीवत्व के बोध को भूला है। भैया इन अजीब का इस अजीब में अवस्था का सारा परिणाम इस संसार में चल रहा है, ये अजीब में दशा का पूर्ण परिणाम इस संसार में चल रहा है। क्या राग चलते समय, द्वेष चलते समय, मोह चलते समय, कर्तृत्व परिणाम चलते समय, भोक्तृत्व भाव चलते समय क्या तुम्हें अपनी शाश्वत चेतना का बोध आता है, या फिर वो राग द्वेष मोह कर्तृत्व भोक्तृत्व अपनत्व ममत्व ये सारे परिणाम चलते हुए इन्हीं का बोध रहता कि किसी में अपनी चेतना का बोध होता है। अरे अजीब में इसी को सुधार लो, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्या उन अजीब रूप परिणामों के बीच में, क्या उन अजीब रूप परिणामों की अवस्था के बीच में क्या आपको आपके गायक का बोध आता है, या फिर आप उस अजीब रूप परिणाम में तन्मय होकर उसी को अपना रूप मान लेते हो। आचार्य भगवंत ने कहा है कि ये जीव अनादि काल से उस अजीब रूप परिणाम में जीवत्व की मान्यता करके बैठा। नहीं आई बात समझ में, अबे अनादि काल से ये जीव, अनंत काल से ये जीव उस अजीवत रूप, जो अजीवत रूप परिणाम है जिसमें जीवत्वपना है ही नहीं, मन में जीवत्वपना है ही नहीं, काम विषय भोग भाव में जीवत्वपना है ही नहीं, राग विकार आदि भाव में जीवत्वपना है ही नहीं, मोह ममत कर्तृत्व इन भाव में जीवत्वपना है ही नहीं, ये पूर्ण रूप जितना भी परिणाम है महत अजीव रूप एक समय की धारा है मात्र। अब भगवान इस अजीब रूप चलने वाली धारा के बीच में, इस अजीब रूप चलने वाले परिणाम के बीच में, इस अजीब रूप होने वाले पूरे चतुर्गति परिभ्रमण की यात्रा के बीच में क्या हे जीव आत्मा, क्या तुझे अपने जीवत्व का बोध आता है, या फिर तू इस राग परिणाम में ही अपने आप को मानता है, राग परिणाम मई तू अपने आप को मानता है, द्वेष परिणाम मई तू अपने आप को मानता है, कर्तव्य परिणाम मई तू अपने आप को मानता है, क्या तू अपनी चेतन में सत्ता को भूल के, अपनी अनंत गुण में सत्ता को भूल के, अपनी अनंत गायक में सत्ता को भूल के क्या तू इन परिणामों को ही अपना रूप मान बैठा है, क्या इस परिणामों को अपना रूप मान बैठा है, क्या अजीब रूप अवस्था में एकमेक होके अजीब रूप दशा में ही अपने आप को बोध रूप जान के, अजीबत्व का बोध, राग का बोध मतलब अजीब दशा का मृत दशा का बोध, द्वेष का बोध मतलब मृत दशा का बोध, भोक्ता ममक अपनक इन सारे परिणामों का बोध मतलब काय का बोध, मुर्दा होने का बोध, मृत होने का बोध, क्योंकि मैं बना ही स्थापित है ना, राग परिणाम हो मोह परिणाम हो, मन की अच्छी बुरी दशाएं हो, शुभ अशुभ भाव का परिणाम चल रहा हो, ये पूरी अवस्था अजीब की अवस्था है, पूरा अजीब परिणमित हो रहा है, पूरा कर्म आवरण में अजीब का परिणमन चल रहा है, अजीब की अवस्था घट रही है, क्या है चेतन आत्मा इस अजीब के परिणमन के काल में, इस अजीब की घटने वाली अवस्था के बीच में क्या तुझे यही बोध हो रहा है कि ये मेरा परिणमन हो रहा है, बोध की बात कर रहा है निर्णय की नहीं, कि तुझे ये बोध हो रहा है कि मैं इससे भिन्न निराकार चेतन में आत्मा, क्या मैं इससे भिन्न वितराग तत्व परमात्मा हूं, मैं शाश्वत ध्रुव गायक चेतन में परिपूर्ण वो वितराग तत्व हूं जो जन्म मरण इस अजीवत रूप सारी अवस्था से भिन्न जो निराकार चेतना है वो ही मेरा रूप है बोध। राग परिणाम में गए तो राग जैसे हो गए, नेपना वहीं से थे, वो चेतना लगने लगी, राग अपनी चेतना भाषित होने लगी,
मोह परिणाम में गए तो मोह जैसे हो गए, वो मोह में अपनी चेतना भाषित होने लगी, वो मोह में जीवत पर भाषित होने लगा, जबकि वो मुर्दा अचेतन अवस्था है। मन के सब अशुभ परिणाम में गए, भोग आदि विलास आदि भाव में गए, मन की इच्छाओं में बहे, तो वो मन की इच्छाएं अपना रूप भाषित होने लगी। और जीव को क्या लगने लगा, देखो मन रूप हम मेरा है, देखो मन रूप हम परिणामित हो रहा है, देखो मोह रूप हम परिणमन कर रहा है, देखो कर्तव्य भाव रूप हमारा परिणमन हो रहा है। जीव क्या भूला, गुण भूल गया। और जो अजीव रूप अवस्था है, जो मृत रूप अवस्था है, जो मात्र अचेतन में परिणमन चल रहा है, अजीव का जो परिणमन चल रहा है, उस परिणमन में एक में खोके भैया अपनी चेतना को भूल गया जी। पूरा मैपना कहा में भैया उस अजीब रूप परिणाम की धारा, जीवन तो वो भी नहीं, मैपना ही नहीं आ रहा। और भैया मैपने का अर्थ यह निर्णय मात्र नहीं है कि हाँ भाई हमने तो कह दिया, बुद्धि से निर्णय से कह दिया कि नहीं भाई हम तो वो परिपूर्ण शक्ति है। हाँ ये पहली भूमिका है, पहला पोशाक है कि बुद्धि पूर्वक शब्द को कह देना कि हाँ हम वो ही है, उसकी मान्यता को पुष्ट कर लेना, ये पहला पुरुषार्थ है। लेकिन अब जो चर्चा चल रही है वहां सिर्फ इतना सा निर्णय से काम नहीं चलेगा, क्या कि भैया नहीं हम तो उससे भिन्न है, इतने से निर्णय से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या आपको उस अजीवत रूप दशा से भिन्न अपने जीवत रूप शक्ति का बोध है या नहीं है? क्योंकि आपको जीवत्व रूप शक्ति का बोध जब होगा जब आप अपने चेतन गुण में आचरण कर रहे हो, जब आप अपने अनंत गुण में, अपनी आत्म शक्ति में, अपने दर्शन ज्ञान में, चेतन स्वभाव में जब आपका आचरण होगा, गुण में आचरण जिस समय आपकी परिणति करेगी, अपने इष्ट स्वभाव में जिन रमण, जिन इष्ट, जिन प्रियो, जिन नंद, ये जितने भी जिन है, इन ऐसे वितराग स्वभाव में जब अपनी परिणति अर्थात आत्म स्वभाव के बोध रूप जो अपनी परिणति आचरण करेगी, तब आपको बोध बना जाए। अभी निर्णय की अवस्था में जो जीव है उनके लिए तो यही कहा जाएगा कि भैया सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक बात स्वीकार करो, क्या ये अजीवत्व रूप पूरी दशा से मैं भिन्न निराकार चेतन में परमात्मा हूं। पहली भूमिका का मैपना यह है, लेकिन दूसरी भूमिका में मैपना ऐसे नहीं कहते, मैपना अर्थात चैतन्य की वर्धना है आपको परिणमन के बोध के बीच में, अर्थात परिणमन के काल के बीच में आत्मा का बोध। अरे वे तो जीता जागता चैतन्य तत्व, देखो अजीब बहरा है, देखो भाई राग चल रहा है, राग चल रहा है, अशुभ कर्मों को बंद तो नहीं हो जाएगा, अजीब को नहीं होता, जीव को होता है। देखो ये बात बहुत मुश्किल है जो हम कह रहे हैं, आप पकड़ लो, कर्म अजीब है, मृत है, और कर्मों में कर्मों का बंध तब होता है, कर्मों से आश्रित कर्म तब बनते हैं, कब बनते हैं ये हम बोलो कर्मों से ही कर्म बनते हैं, कर्मों से कर्म जुड़ते हैं, लेकिन वो कर्मों से कर्म कब जुड़ते हैं, जब जीव उस अजीवत रूप दशा में अपनी जीवत की शक्ति को मानता है तब कर्म बनते हैं भगवान जी। और यदि ये जीव अपने चैतन्य में स्वभाव के बोध में है, ज्ञानानंद जायक स्वभाव के बोध में है, तो भैया अनंत संसार के कर्म तो बनते ही नहीं है, लेकिन भैया जो थोड़े बहुत कर्म बनते हैं वो बिल्कुल नॉमिनल है, उनकी बात नहीं कर रहे भैया। एक तरीके से ये समझो कि कर्म बनते ही नहीं है, क्योंकि भैया अनंत संसार छूट गया मतलब ये समझो कि सब कुछ छूट गया। तो यहां क्या बात चल रही भैया, क्या मैं कहना चाह रहे हैं आप, कि आप ये बताओ कि अजीब से कर्म बनते हैं, अजीब का सबसे कर्म बन रहे हैं क्या? अरे जब अजीब में आप जीवत रूप मानता कर रहे हो, अजीब में जीवत रूप जब आप शक्ति मान रहे हो,
तब इन कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है आत्मा। यदि आप इस समय इस क्षण ये स्वीकार कर लो, इस समय आप यदि अपने चेतन में शक्ति के बोध में आ जाओ कि अरे मैं तो जीव हूँ, चेतन हूँ और ये सारा अजीव का परिणाम मुझसे भिन्न है, भगवान इन कर्मों की हस्ती क्या है, इन कर्मों की शक्ति क्या है जो अपनी अपने 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 से जुड़ तक अभी सकते ही नहीं है। अरे अजीब से भी नहीं जुड़ सकते, ये अजीब में अवस्था से भी नहीं जुड़ सकते। अब भैया ये बात थोड़ी गहरी हो गई, अजीब में अवस्था से नहीं जुड़ सकते मतलब सो जाओ अजीब में अवस्था से नहीं जुड़ सकते मतलब बोलो कुछ तो बोलो, नहीं तो हम कर ही देंगे। नहीं पता, यही बोलना नहीं पता। पूर्व भाव में जैसे ही आपने कर्म बांधा तो कर्म किस रूप बनते हैं, स्कंद और वृक्ष रूप। स्कंद और वृक्ष कोटाई के परमाणु है, पुद्गल के चेतन के। जवाब दो भाई साहब, कर्म किस रूप में बनते हैं, स्कंद और वृक्ष रूप। स्कंद और वृक्ष काय के परमाणु है, जीव के या अजीव के, पुद्गल के या जीव के, जवाब दो। नहीं, जब जीव के साथ बने हैं तो जीव पुद्गल में है, लेकिन जीव बन के आ रहे हैं जीव के साथ, तो पूर्व भाव के पूर्व पदे आए थे। एक मिनट उन्हें बोल लेते तो उनके साथ एक सेकंड में समाधान कर देंगे हम। वो क्या कह रहे हैं ये भी पता है, आंसर क्या ये भी पता है, बोलो। बस आपने शुरू से नहीं सुना ना, आप यहाँ फंस गए। देखो मैंने यही कहा, जब जीव अपने गुण को भूल के इस अजीब रूप परिणमन में मैं हूँ ये मेरा रूप है जब ऐसी धारणा करता है तब नए कर्म जुड़ते हैं। और यदि जीव ये धारणा से मुक्त हो जाए, किस धारणा से भैया, कि ये राग का जो परिणाम चल रहा है ये मैं हूं, ये द्वेष का जो परिणाम चल रहा है मैं हूं, इस अशुद्ध परिणाम से यदि जीव को भिन्नता का भाव भाषित हो जाए कि मैं इससे भिन्न हूं, मैं तो गायब निराकार चेतना हूं, मैं ध्रुव गायब शक्ति परमात्मा हूं, तो जैसे उसे अपनी निराकार चेतना का आत्मशक्ति का बोध होता है तो फिर उस अजीब अवस्था में कर्म नहीं बनते। और जब तक उसे चेतन सत्ता का बोध नहीं है उस अजीब अवस्था में ही मैं पना है कि मैं इस रूपी परिणमित हो रहा हूँ, राग रूपी मेरा परिणमन है, मोह रूपी मेरा परिणमन है, कर्तव्य रूपी मेरा परिणमन है, इस शरीर से जो सारी क्रियाएं हो रही है ये मेरा परिणमन है। जब तक ऐसा बोध है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही धर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही सारा कार्य हो रहा है, तब तक ही उन कर्मों का आवागमन अंदर है भगवान जी, तब तक ही वो दोबारा अजीब से अजीब में जोड़ रहे हैं। आपने परसों भी कहा था मैं थे जब मैंने बांसन करके बताया था कि गुरुदेव ने कहा था कर्म का मर्म क्या है, कमम कम सहाय, कर्म से कर्म बनते हैं, धर्म से कभी कर्म। अच्छा आत्मा का स्मरण करो और कर्म बांध के बता, हम तो आपसे गारंटी दे रहे हैं। आप तो आत्मा का स्मरण करो, आत्म स्वभाव का ध्यान करो, आत्म स्वभाव में लीन हो और फिर कर्म बांध के बता। यदि आत्मा से कर्म बनते हैं, आत्मा से कर्म जुड़ते हैं, आत्मा यदि कर्मों का बंध करता है तो सिद्ध भगवान को सबसे पहले करना चाहिए। इसका इससे ये सिद्ध होता है कि आत्मा से कर्म भैया, अब जब आत्मा से नहीं बनते तो किससे बनते हैं, अब आत्मा से नहीं बनते तो किससे बनते हैं। तो भैया पूर्व पर्याय में जो आप कर्म लेके आए हो, जब उन कर्मों का गबर से आश्रय लेते हो तो उन कर्मों से कर्म जुड़ते हैं। एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी जुड़ती है, तीसरी चौथी जुड़ती है और फिर एक साइकिल घूमने लगती है। तो अपन कहते हैं साइकिल घूम रही है, क्यों, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ी है। अरे एक कड़ी तोड़ दो तो रोलिंग होगी तो 10-1 मिनट तक घूमेगी, 8-10 कड़ी बची होंगी तो वो तो घूमेगी, लेकिन परमानेंट साइकिल घूमने वाली। ऐसे भैया यदि आपको ये बोर हो जाए, यदि आपको ये स्मरण आ जाए कि भैया वो अजीब रूप परिणमन है, वो अजीब रूप परिणमन की धारा है, वो जो अभी राग का परिणाम चल रहा है, मोहे का परिणाम चल रहा है, कर्तव्य रूप धारा चल रही है, ये मात्र अजीब की अवस्था है,
यदि आपको इच्छा नहीं बोल आ जाए ये पूरा परिणाम है राग द्वेष मोह पुत्र परिवार इनके साथ होने वाले परिणाम ये सारी अजीब की स्थिति है, ये मेरा जीव तत्व नहीं, ये मेरा आत्मा नहीं, ये मेरी निराकार चेतना नहीं, ये मेरी प्रभुता नहीं। यदि आपको ये बोल आ जाए तो भगवान इन कर्मों की कोई हस्ती नहीं है कि आपकी बस्ती में प्रवेश कर सके। सत्य है ये, इन कर्मों की कोई हस्ती नहीं है कि आपकी चेतन बस्ती में प्रवेश कर सके। बेचारे नश्वर है कर्म स्वभाव गलियर, कर्म तो नश्वर है, गल जाने का इनका स्वभाव है, कर्म तो बिला जाने वाले हैं, इनकी हस्ती नहीं है कि ये आत्मा की बस्ती के अंदर आ जाए। भगवान अनंत काल से आपके साथ है तो भी आत्मा से अत्यंत अभाव रूप है, दूर है, दूर आपकी आत्मा के अंदर नहीं प्रवेश कर पाए। यदि अंदर प्रवेश कर जाते तो आप ही अजीब नहीं हो जाते, क्योंकि आपके गुण नष्ट हो जाते, आपकी चेतना भी हीन कर देते, आपके द्रव को नष्ट कर देते, फिर तो आप रहते नहीं। इसलिए भगवान ये कर्म आत्मा से अत्यंत अभाव रूप है। अब हम बहुत हाई लेवल के विषय पे थे, हाँ कहाँ थे हम, अजीब। हमारा प्रश्न ये था जिस प्रश्न को हमने उठाया था कि अजीब क्या था कि भैया अजीब से कर्म नहीं बनते या बनते, ऐसा कुछ प्रश्न कहा था, बिल्कुल दिमाग से निकल गया। कहां थे हम कि अजीब से अजीब रूप अवस्था से ये कर्म बनते, याद ही नहीं आ रहा, भूल गए। चल कोई बात नहीं, अपन अपने आगे की चर्चा करते हैं। भैया ये बात है कि अजीब रूप अवस्था से कर्म नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, कब नहीं बनते, किसको नहीं बनते? भैया जिसे अपने जीवत्व का बोध हो उसको नहीं बनते, जिसको अपने जीवत्व की शक्ति का बोध हो उसको नहीं बनते, और जिसे अपने जीवत्व की शक्ति का बोध ना हो तो इस अजीब दशा में कर्म बनते हैं। अजीवत्व से ही कर्म बनते हैं, अजीवत्व से ही कर्मों का निर्माण होता है, कभी जीवत्व की शक्ति से कर्मों का निर्माण नहीं होता। स्वीकार करोगे इस बात को? अंतर आत्मा से क्या आप इस बात को स्वीकार करोगे कि इस कर्मों का निर्माण करने वाली जो शक्ति है वो आत्मा की चेतन शक्ति नहीं है? अभी प्रश्न आ सकते हैं लोगों को, इन कर्मों का निर्माण करने वाली जो शक्ति है, इन कर्मों को बनाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा की चेतन शक्ति नहीं है, वो अजीब की शक्ति है। गुरुदेव आचार्य नारायण स्वामी ने जब ज्ञान समुद्र साहब जी लिखा तो ज्ञान समुद्र साहब जी गाथा में जब उन्होंने तत्व का निरूपण किया तो उन्होंने तत्व का निरूपण करते हुए जब जीव तत्व का निरूपण किया तो आत्मा को न बिंदु न कारण न उत्पत्ति न क्षिपत्ति, आत्मा को सर्वव्यापी सर्वोम शुद्धात्मा परमात्मा कहा। लेकिन जैसे ही अजीव तत्व का वर्णन किया जैसे मालूम क्या कहा, भैया अज्ञान से संयुक्त होके मन में बहने वाला अजीब तत्व है। उन्होंने अजीब तत्व में और किसी की चर्चा ही नहीं करी, अजीब तत्व में उन्होंने और किसी का वर्णन ही नहीं करा, अजीब तत्व में उन्होंने और किसी को कहा ही नहीं, उन्होंने सीधा कह दिया कि मन के साथ अज्ञान परिणाम में एक मेक होकर जो राग द्वेष रूप परिणमित हो रहा है वो अजीब तत्व है। उन्होंने पुद्गल की बात ही नहीं करी, ये उन्होंने पुद्गल की बात ही नहीं करी। हाँ बात ही नहीं करी, क्यों नहीं करी? अच्छा बताओ, बता क्यों नहीं करी बात? उन्होंने पुद्गल की चर्चा ही नहीं करी, वहां पुद्गल द्रव को भूल ही गए, सीधी सी सीधी बात कह दी कि अज्ञान सहित मन में इंद्रिय विषयों में राग कषाय में मोह कषाय में स्पर्शन इंद्रिय आदि इन विषयों में जो जीव रत होकर घेरा है वो उसकी अजीब में रहता है। और फिर चर्चा ही नहीं करी उन्होंने, क्यों क्यों क्यों? खोजो आप, खोजो सत्य को, खोजो आप उस सत्य को कि क्यों दूसरी चर्चा नहीं करी। भैया पागल, ये पागल जीव, ये पागलपन का दौरा जिस जीव को पड़ रहा है, ये पागल जीव अजीब के नाम पे यदि उससे बोला कि भाई अजीब कौन है तो बोले भैया पुद्गल अजीब है, धर्म अजीब है, अधर्म अजीब है, ये भैया ये सारे सब अजीब है, इन सबको तो अजीब बोलेगा लेकिन खुद को भी पता रहेगा इन खुद ही अजीब है। पता भगवान
दुनिया का तो पता है कि ये पुतगल है क्या है, ये तो पता है पक्का ना, पता पक्का पता है ना। लेकिन इस पागल को ये नहीं पता कि यदि मन के साथ अज्ञान परिणाम में जी रहा है तो सबसे बड़ा अजीब तो यही बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसे तो खुद अपनी चेतना का बोध नहीं, जो चेतना के बोध से ही हो वो अजीब। ये पुतगल, ये धर्म, ये अधर्म, ये आकाश, ये काल, ये सारे ब्रह्म के पास चेतना है ही नहीं, ये चेतनता के बोध से वीर है, तो ये अजीब। और भगवान यदि ये ही कार्य ये कर रहा है, इंद्रिय विषयों में एकमेक होके, यदि ये ही कार्य ये कर रहा है मन वचन काय में एकमेक होके, यदि ये ही कार्य ये कर रहा है कि असत भावनाओं में एकमेक होके, यदि ये अपने चेतन में वीतराग स्वभाव को भूल रहा है, अपने निज मन को भूल रहा है, तो पहला अजीब तो यही है, जानने देखने वाला जानने देखने की शक्ति को नहीं जान रहा। भैया अभी जानने देखने वाला जब जानने देखने की शक्ति को ही नहीं जान रहा तो बता कि पुद्गल को पुद्गल रूप जान सकता है क्या? इसको इसका पुद्गल को पुद्गल कहना छलावा है, धोखा है। इसका धर्म अधर्म को अजीब कहना धोखा है। ये अजीब में दशा में तो खुद ही परिणमित हो रहा भैया। अजीब में दशा में, इंद्री में दशा में, राग देश कसाय रूप दशा में, तो ये खुद परिणमित हो रहा है। अब बता मुर्दा को, मुर्दा को कौन सा ज्ञान होगा? सत्ता का ज्ञान। और अपन पूरा जीवन मुर्दा को ज्ञान कराने में निकाल रहे, सही बात है? अपन पूरा जीवन मुर्दा को ज्ञान कराने में निकाल रहे, मुर्दा को राग में ज्ञान कराना चाहते हैं, मन को ज्ञान कराना चाहते हैं, तन प्रकृतियों को ज्ञान कराना चाहते हैं, तन प्रकृतियों से ज्ञान करना चाहते हैं, जहां ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता ज्ञान वहीं प्रकट करना चाहते हैं। और जहां ज्ञान है, जहां ज्ञान में सत्ता है, जहां जीवत्वपना है, जहां वीतरागता है, जहां अनंत गुण में निराकार चेतन तत्व का परिणमन है, उसको तो भूल गए। जीव जीव क्या भूला? गुण भूला। क्या भूला? गुण में आचरण भूला। क्या भूला? गुण में शक्ति में परिणमन करना भूला। क्या याद रहा आपको? स्पर्शन याद है, रसना याद है, ग्राण याद है, चक्षु याद है, कर्ण याद है, राग याद है, द्वेष याद है, कर्तृत्व परिणाम याद है, भुक्तृत्व परिणाम याद है, विषय याद है, वासना याद है, पूरा संसार, पूरी अजीब मन वचन काय की पूरी अवस्था स्मरण में है। और विस्मरण है तो मां जी क्या भूला भगवान जी? गुण में आचरण को भूल गया है, निराकार चेतन में अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव में आचरण को भूल गया है। तो भैया याद रख के बैठा है अजीब को, अब इसे याद करवा भैया। काय की परिभाषा जीव के परिभाषा याद करवा भैया। जानने देखने वाले को जीव कहते हैं, कौन है वो? ध्यान में देखने वाले को जीव कहते हैं, मतलब आंखों से देखने वाले, कानों से सुनने वाले, मन से विचार करने वाले, इसको जीव कहते हैं। अरे ना मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा है ये, तो चलता फिरता अचेतन है ये, तो चलता फिरता जड़ है, इसे जीव नहीं कहते, ये तो अजीव है। जीव तो उसे कहते हैं जो वास्तव में जानता देखता है, जो जाननहार है उसे जीव कहते हैं, जो देखनहार है उसे जीव कहते हैं, जो दृष्टा है उसे जीव कहते हैं, जो इस अचेतन जड़ पुद्गल अवस्था से भिन्न है उसे जीव कहते हैं भगवान। और जो जड़ अचेतन अवस्था में एक मेक है वो तो जीव होते हुए भी मृतम भवे। अच्छा तरण स्वामी ने तो शाकाचार्य में लिखी दिया कि वो तो अजीव मुर्दा ही है, उसमें चेतनता नाम का कोई गुण पाया तब जब मन और राग देश कथाएं में एक मेक होके वो उन्हीं परिणतियों को अपना मानता है, तो उस जीव में चेतनता रूप कोई गुण पाया नहीं जाता। सत्ता में तो है लेकिन उसकी होश में, उसके बोध में, उसकी जागृति में नहीं है। तो जब तक जागृति में नहीं है, होश में नहीं है, बोध में नहीं है, तो भगवान तुम चलते फिरते लाश हो, मुर्दा हो, स्वीकार है? सबसे पीछे वो उनने स्वीकार कर लिया कि चलते फिरते मुर्दा हो, आप भी स्वीकार कर लो। जब तक बोध नहीं है तो आप चलते फिरते मुर्दा हो, जिंदा लाग हो। आपको देख के तो लोगों को डरना चाहिए लेकिन लोग बात डर नहीं रहे,
जिंदा लाल यदि चल रही हो तो देख के डर लगता नहीं लगता, अभी एक आ जाए कोई मुर्दा उठ के, यदि चलता फिरता मुर्दा है इसे देखकर डर लगना चाहिए, सबसे बड़ा राक्षस चल रहा है। विभाग रूप परिणमित होता हुआ, राग रूप परिणमित होता हुआ, मोह मिथ्याग रूप परिणमित होता हुआ, परतंत्र का भूत सबसे बड़ा राक्षस तो ये चल रहा है सामने। यदि आप इस अचेत अवस्था से जागने की बात कर रहे हो तो बोलो, इस मुर्दा रूप परिणमन से, इस मुर्दा रूप देह की अचेतन क्रिया से, इससे ऊपर उठने की बात कर रहे हो तो बोलो। यदि गुणों का स्मरण करके आत्मनिर्भरता की बात कह रहे हो तो आओ। अजीवत्व के बोध से छूट के मैं निराकार ब्रह्म स्वभावी चैतन्य में परमात्मा हूँ, इस चेतनता में अपने शाश्वत सत्ता के बोध में जीने की बात कर रहे हो तो बताओ, तो हम आपको जीव मान लेंगे। हम नहीं, आचार्य परमात्मा को जीव मान लेंगे, जिन्हें परमात्मा आपको जीव मानेंगे। तो कह ही रहे भगवान, एक बार स्मरण करके तो देखो, एक बार अपनी अंतरात्मा को, अपनी चेतन सत्ता का बोध जगा के तो देखो, ये परिपूर्ण ब्रह्म निराकार सत्ता, ये स्वयं चैतन्य में परमात्मा है भगवान, एक बार होश में आके तो देखो। कि ना भैया, अब तो सिर घूमने लगा है ना, नहीं घूम रहा। यदि इस चर्चा में सिर नहीं घूम रहा तो आपका बहुत पक्का सिर है भैया, वो पक्का सिर है। सही कह रहे हैं, पता अचेतन में जीवन जी रहे हो और उस अवस्था में सिर ना घूम रहा हो, बहुत बड़ी बात है। भगवान जी, होश में आने की तैयारी तो करो। देखो, हम उदाहरण इसलिए नहीं देते कि मनोरंजन ना हो, इसलिए विशेष तौर से उदाहरण इसलिए नहीं देते कि मनोरंजन ना हो पाए। लेकिन भगवान जी, आपको अपने आत्म सत्ता का बोध लाने के लिए थोड़ा गंभीर होना अनिवार्य, थोड़ा अपने आत्म साधना के लिए सिंसियर होना बहुत अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य विषय है ये। आपको इस बात को सुन के प्रसन्नता नहीं, गिलानी का परिणाम उत्पन्न होना चाहिए कि भक्त आत्मा कैसा भूल गया ये अपने गुणों को, कैसा भूल गया ये अपनी चेतना को, कैसा भूल गया ये अपने गायक को, कि आज मुर्दों में इतने खोके अपने आप को जीवित मान रहा, कैसा भूल गया है अपने आप। भैया, एक ना भूला, दो ना भूला, भूला सब संसार है, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन जान मूल के जो कोई भूला उसका आरना। ये अपन तो जान मूझ के भूले, अपन तो जान मूझ के भूले भैया, अपन जान मूझ के भूले वाले हैं। अरे तत्काल निर्णय करने के बाद भूले हैं, अहंकार में फूले हैं, मन में फूले हैं, बुद्धि से निर्णय करने के बाद भूले अपनी चेतन में अविनाशी सत्ता को, अपने ज्ञायक में तत्व के बोध को, अरे भगवान आत्मा को स्वीकार करने के बाद भूले हैं। तो भैया अपना और छोड़ नहीं, डंके की आत्मा को चोट करने वाली चर्चा है। जान मुझ के भूले हो, जान मुझ के इसराफ परिणति को अपना मान रहे हो, जान मुझ के इन देश परिणति को अपने आप में एक में देख रहे हो, जान मुझ के इन राग देश कर्तव्य परिणाम में अपनी दृष्टि एक में कर रहे हो, सामने जायक में अर्थ रखा है, सामने अनंत चतुष्टय के गुण रखे हैं, सामने प्रकृति वितरा सत्ता तुम्हारे श्रद्धान में ज्यों की त्यों जमी हुई है, गायक के श्रद्धान में, तत्व के श्रद्धान में अपने सिद्धों के अनंत गुण जहां के तहां रखे हुए हैं, उन सिद्धों के गुण को छोड़ के सामने रखे हुए 56 भोगों को छोड़ के गिद्ध पक्षी की तरह मांस लोचने के लिए अजीब राग में दशा में एकत्र कर रहा है, मोह दशा में एकत्र कर रहा हो, व्यर्थ में कर्तव्य परिणाम में ऊंचे नीचे हो रहे हो, व्यर्थ में रो रहे हो भगवान कि हम भटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं, हम राग में हो रहे हैं, हम देश में हो रहे हैं, हम कर्तव्य में हो रहे हैं, हमारे संसार में परिभ्रमण चल रहा है, व्यर्थ में रो रहे हो चेतन आत्मा, व्यर्थ में, व्यर्थ दशा में रो रहे हो। क्यों रो रहे हो?
ये भक्ति कारण समझ में नहीं आ रहा कि रो क्यों रहा है, चेतना नहीं है क्या? अच्छा अच्छा, मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दो। तत्व का श्रद्धान नहीं है क्या? तत्व का श्रद्धान नहीं है क्या? मैं गायक भगवान आत्मा हूं, इस तत्व की श्रद्धा नहीं है क्या? सही में है? मैं अकर्ता अभोक्ता चेतन में परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इस परम शक्ति की अपने अंतर में दिव्य जो चेतन शक्ति है, इसका बहुमान नहीं है क्या? भैया इसके बाद भी सुनो तो भगवान, सुनो तो, इसके बाद भी अजीब में जी रहे हो, इसके बाद भी अजीब में अवस्था को अपनी अवस्था मान रहे हो, इसके बाद भी अजीब में परिणमन को अपना परिणमन मान रहे हो, इसके बाद भी एक एक समय की पर्याय में जो एक एक समय का परिणमन है, जो एक एक समय की पर्याय है, उस एक एक समय की पर्याय को अपना रूप मान रहा है चेतन आत्मा। अरे भगवान, जानबूझ के भूल रहे हो तुम तो, और फिर इस जानबूझ के भूलने का फल क्या होगा भैया? दुष्कर्मों का आवरण पड़ेगा, ज्ञान पे अंतराय पड़ेगा, कर्मों का आवरण बढ़ जाएगा, भवों का भवांतर परिणमन बढ़ जाएगा, और फिर कहोगे कि भाई आत्मा की श्रद्धा करने के बाद भी इतने भव क्यों लग गए? फिर कहोगे कि भाई चेतन में स्वभाव की श्रद्धा करने के बाद, जिन्हें भगवान की देश वाणी को स्वीकार करने के बाद, जिन्हें परमात्मा जो तत्व बता रहे हैं उसको अंगीकार करने के बाद भी हमें इतने भव क्यों लग गए? फिर कहोगे भैया, भटकोगे जब कि भैया हमने तो आत्मा की श्रद्धा किया था, हम क्या बोलते हैं खल पृथ्वी में खार भाग में क्यों उत्पन्न हो गए, पंख पृथ्वी में उत्पन्न क्यों हो गए, कुदेव क्यों हो गए? तो रोगे भैया, फिर सरपटकोगे वहां जाके नपुंसक पर्याय में, तो ये क्यों हो रहा हमारे साथ? और आज अपराध को मिटा नहीं रहे, आज अपराध बोध को अपनी अंतर आत्मा से अलग नहीं कर रहे, आज अपनी पामरता को, आज पर्याय की पामरता को अपनी पामरता मान के, अपनी इस पर्याय रूप जो परिणमन चल रहा है इसको अपनी पावर का मान के आज भैया क्या कर रहा है? भैया आज भूल रहा है चेतना को, आज भूल रहा गुणों में आचरण को, आज भूल रहा तत्व में आचरण को, आज भूल रहा सत्य स्वभाव की अनुमोदना को, जो अवसर मिला है। और भैया कल जब दुर्गतियों में चले जाओगे तभी अवसर नहीं रहेगा, फिर रोगे, फिर माँ बिलकोगे, फिर ये कहोगे कि आप मुझे ये बताओ, फिर माँ प्रश्न करोगे कि हमें सम्यक दर्शन होने के बाद हम क्यों भटक रहे हैं? फिर माँ कहोगे, फिर कहोगे कि हमें श्रद्धा होने के बाद हम क्यों भटक रहे हैं, हमें जिन शासन मिलने के बाद हम क्यों भटक रहे हैं? फिर माँ प्रश्न उठेगा अंतर आत्मा से, हम क्यों भटक रहे हैं? लेकिन आज आज क्या कर रहे हैं बताओ तो, बताओ 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 क्या कर रहे हैं आज? जान मूझ के भूल रहे ना भैया, सही बता दो, जान मूझ के रुचि है ना उन परिणामों की, जान मूझ के उन अशुद्ध परिणामों की रुचि है ना, अंतर से ही कर्तव्य परिणामों में अच्छा लगता है ना, अंतर से ही विकारी परिणामों की रुचि आती है ना? हाँ, जान मूझ के भूल रहा ना, देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, जान मूझ के भूल रहे हैं, जान मूझ के भूल रहे हैं। भैया कोई विषम परिस्थिति नहीं है, ना तुम्हारे सर पे कोई तलवार रखी है, ना तुम्हारे कंठपट भी किसी ने बंदूक रखी है, और ना कोई जबरदस्ती तुमसे कह रहा है, तुम्हारी परिणति से ये कह रहा है कि संसार में आचरण करो, अपने रस्ते अपने मोहे के परिणाम से अपनी कर्तव्य की रुचि से। भैया कर्तव्य तो हो रहा है इसकी कोई बुराई नहीं है, परिणाम चल रहा है इसकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी रुचि से कर्तव्य परिणाम को अपना मान रहे हो, अपनी रुचि से वहां अपने पन की मान्यता रख के बैठे हो अपनी रुचि से, जबकि उस परिणाम के बीच में अपने गायक स्वभाव का बोध आने में कोई बाधा नहीं है, अपने चेतन में तत्व का बोध आने में कोई बाधा नहीं है, उस अजीवत्व रूप अवस्था से भिन्न अपने जीवत्व चेतन में सत्ता का बोध आने में कोई 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 आवरण नहीं है, चेतन
कोई आवरण नहीं है, कोई तुम्हें हाथ पकड़ के नहीं लेके जाता कि तुम अपनी आत्मा को भूलो। कर्म तो अजीब रूप अवस्था तो अपनी तत्समय की योग्यता से उत्पन्न होती है, पर्याय की दशा तो परिणमन की धारा तो अपनी स्वसमय की योग्यता से आ रही और जा रही है। कर्मों का हृदय तो जैसा आवरण से बंधा है वैसा परिणमित हो रहा है। लेकिन भैया वो कर्म तुम्हारी चेतना का हाथ पकड़ के थोड़े लेके जाते कि तुम अपने आत्मा का विस्मरण करो, तुम अपनी भूमिका का विस्मरण करो, तुम अपने गायक में स्वभाव का विस्मरण करो, तुम अपनी वीतराग में सत्ता का विस्मरण करो, ऐसा हाथ पकड़ के तो नहीं लेके जाते भैया। तुम स्वयं अपनी मान्यता से, तुम स्वयं अपनी रुचि से उन परिणामों में एक में सही होता ना भैया, खुद ही उन्हें मानता देते हो, खुद ही उन्हें महत्व देते हो, खुद ही उनकी पूजा करते हो, खुद ही उनकी आरती उतारते हो और फिर खुद ही उनके नाम पे, खुद ही उनके नाम पे रोते हो भैया। ये स्वयं भक्ति करते हो, स्वयं उनकी पूजा करते हो, स्वयं उनकी अर्चना करते हो और फिर स्वयं उनके नाम पे रोते हो भैया। आज ही भूल मिटा दो ना। जैसे चर्चा सिर्फ इसलिए है, शुरू से बहुत गहरा विषय उठाया था हमने, बहुत गहराई से इस विषय को उठाया था कि भैया गंभीरता से एक बार विचार तो करो कि जो कुछ घट रहा है वो अजीव रूप अवस्था में घट रहा है, अजीव रूप अवस्था में घट रहा है। जीव महासंयोग रूप है, जीव महासंयोग रूप अवस्था में है, लेकिन जीव को यह मानने की बाध्यता नहीं है कि मैं यह परिणमित हो रहा हूं। जैसे सुनो इस बात को, इस अजीव रूप अवस्था में जीव संयोग रूप भूमिका में है, जीव संयोग रूप परिणमन कर रहा है, जीव संयोग रूप अवस्था में परिणमित हो रहा है, लेकिन जीव इस चीज के लिए बात नहीं है कि वो स्वीकार करे कि इस रूप में परिणमित हो रहा हो। परिणमन होना स्वतंत्र है, लेकिन स्वीकार करना तुम्हारा पुरुषार्थ है। मानता रहना तुम्हारी शक्ति है, मानता तुम्हारा जीवत्व का गुण है, श्रद्धा देना तुम्हारा स्वभाव है। भैया अजीवत रूप परिणमन को तो नहीं रोका जा सकता, सुन लो अच्छे से, अजीवत रूप होते हुए परिणमन को तो नहीं रोका जा सकता। लेकिन भगवान जी एक बात और अच्छे से सुन लो, लेकिन इस अजीवत रूप परिणमन में अपनी चेतना को इसमें लिप्त होने से रोका जा सकता है, अपनी चेतना को इसमें लिप्त होने से रोका जा सकता है। अपन इस अजीवत रूप परिणमन को स्वीकार न करें, इसकी मिथ्या मानता अपने अंतर में न पनपने दे, इस परिणमन को अपना रूप, इस परिणमन के बोध को अपना रूप स्वीकार न करें। भैया ये अधिकार तो अपने पास है या नहीं? इस अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं करते भगवान? ये अपने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं करते? घर में तो यदि एक बर्तन भी ऊपर का नीचे हो जाए तो यदि घर में संयोग में अपने अधिकार से विपरीत थोड़ा भी कुछ हो जाए तो सहन नहीं होता। और यहाँ तो गायक का अधिकार लोकालोक को प्रकाशित करने का है, गायक का अधिकार परमानंद में विलीन रहने का है, चेतन का अधिकार आत्मिक सुख में निमग्न रहने का है, चेतन का अधिकार वीतराग सत्य में आचरण करने का है। हे भव्य आत्मा, इस गायक के अधिकारों का हनन क्यों करते हो? इस चेतन के अधिकारों का हनन क्यों करते हो? इस वीतराग सत्य में ससमय अपनी आत्मा के अधिकारों का हनन क्यों करते हो? संसार के अधिकारों का पूरा बोध है, अपने गायक के, अपने चैतन्य के, अपने ध्रुव के, अपने जीते जागते जैवंत स्वभाव का अधिकार, मेरे जान में देखने का ज्ञाया, गायक में ज्ञाता दृष्टा भाव, ये अधिकार भी तो है या नहीं? नहीं है ना भैया, मर गया ना, ये अधिकार खत्म हो गया ना भैया, है उपयोग कहां हो रहा भैया? उपयोग कहां हो रहा है इस अधिकार का? भगवान जिस दिन चेतन अधिकार का उपयोग करोगे
जिस दिन चेतन गुणों की शाश्वत सत्ता का अधिकार अपने आप में मानोगे, जिस दिन प्रभु परिपूर्ण परमात्मा केवल ज्ञान में सत्ता अपने आप को स्वीकार करोगे, जिस दिन परमात्मा से अपने अधिकार को, परमात्मा सत्ता से अपने अधिकार को मिलान करोगे भगवान, कि मेरा अधिकार तो इस तीनों लोकों में परम आनंद को लूटना है, राग द्वेष के दुखों को सहन करना ये मेरा काम नहीं, मेरा काम तो अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप में लीन होके अतीन्द्रिय आत्मा का लाभ करना है, अनंत गुणों में अवगाहन करना मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार इन पांच इंद्रियों के विषयों में, मन में, इस पांच फिट के डिब्बे में कबे रहना, बंद रहना, इस पामर रूप पर्याय में परिणमित होना, ये मेरा जीव का अधिकार। पामर का मेरा स्वरूप नहीं है, ये वंद मेरा स्वरूप नहीं है, ये शरीर आदि मेरा स्वरूप नहीं है, ये दिखने वाले संयोग मेरा स्वरूप नहीं है, मैं लोकों लोक को प्रकाशित करने वाला खुद चेतन में आत्मा हूँ भगवान। एक बार अंतर से बोध तो लेके आओ, मेरा अधिकार तीनों लोगों को प्रकाशित करने का है। इस बुद्धि से जो थोड़ा बहुत जान रहे हो ना, जो दिमाग में जो विकल्पों का जो टेंशन का घर बना के रखा है, इतना सा सीमित दायरा नहीं है मेरा। मन में घूम रहे हो, वचन में घूम रहे हो, व्यर्थ के विचारों में घूम रहे हो, व्यर्थ की चर्चाओं में घूम रहे हो, हे भव्य आत्मा, व्यर्थ के नाना प्रकार के प्रपंचों में लगे हुए हो, लेकिन तुम्हें इन सबके बीच में अपने जायक अतीन्द्रिय चेतन तत्व का बोध नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तुम्हें अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का बोध नहीं आ रहा, तुम भूले हो तो अपने निज चेतन गुणों को भूले हो भगवान। तो इस भूल का परिणाम, पहले भी अनंत संसार की यात्रा भोग के आए हो, और इस भूल का परिणाम यह होगा कि आगे भी अनंत संसार की यात्रा को भोगना पड़े। देखो भैया, इस चर्चा का अभिप्राय मात्र इतना है बस, कि आप इस अजीब अचेतन में परिणाम की दशा से अपने ज्ञायक को ऊर्ध्व जानो, ऊपर जानो, इन अवस्थाओं से दबो मत, इन अवस्थाओं में उलझो मत, इन पर्याय घर गृहस्थी के विकल्पों में इतने मदहोश मत रहो, इतने बेहोश मत रहो, इन स्त्री पुरुष पर्याय रूप संयोगी दशा में इतने बेहोश मत रहो कि अपनी चेतना का होश भी दोबारा ना आ पाए, अपनी ज्ञायक सत्ता का होश भी दोबारा ना आ पाए। ऐसी गतियों में मत चले जाना चेतन आत्मा, या भगवान आत्मा की प्राप्ति ना हो सकती हो, असंगी मत हो जाना, एक इंद्र, दो इंद्र, तीन इंद्र पर्याय में मत चले जाना, ऐसी गतियों में मत चले जाना, या भगवान आत्मा की अनुभूति का कोई अवसर ही ना मिले, ऐसी गतियों में मत चले जाना भगवान। या इसलिए बार बार चेताते हैं गुजरेन परमात्मा, बार बार चेताते हैं सदगुरुदेव, बार बार चेताते हैं गुरुदेव की वाणी, बार बार चेताती है कि हे जीव, ऐसे अवस्था में मत चले जाना जहां तक तुझे चेतने का अवसर भी ना मिले। या इसलिए आज चेत जा, आज आज इसी समय, इस पल, इस घड़ी, इस अजीब रूप परिणाम से, इस अजीब रूप अवस्था से फिर मैं निराकार जायक चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी अपनी आत्म सत्ता का बोध, जीते जागते जयवंत स्वभाव का बोध जागृत करो। भैया मैं तो जयवंत सत्ता हूं, मेरा स्वभाव जयवंत है, मैं जीने वाला परमात्मा हूं, मैं जयवंत स्वरूप भगवान हूं। आज तो अपनी आत्म सत्ता का बोध जागृत करो भगवान, आज तो अपने ज्ञायक स्वभाव का बोध जागृत करो, आज तो कह दो पर्याय असत्य है, परिणाम असत्य है, ये अजीब रूप होने वाला सारा स्खलन, पूरी की पूरी पर्याय की दशा पूर्ण रूप से असत्य है, मैं इससे भिन्न निराकार ज्ञायक चेतन ज्योति परमात्मा हूँ, पर रूप आचरण नहीं करता, पर रूप मेरा संचरण नहीं होता, पर रूप मेरा परिणमन नहीं होता, मेरा परिणमन तो दर्शन में है, ज्ञान में है, सुख में है, वीर में है, अनंत चतुष्टय में, पूर्ण केवल ज्ञान दर्शन में, मेरा परिणमन तो मेरे ज्ञायक, मेरे चैतन्य में है, मेरे चैतन्य में है, मेरे ध्रुव चैतन्य में मेरा परिणमन है। आज तो अपना मैं बना,
आप तो अपना अपना थे, आप तो अपना एक थे, अपनी ध्रुव गायक सत्ता में देना चेतन आत्मा, आप तो अपनी पूर्ण मानता पूर्ण आस्था पूर्ण शक्ति अपने ध्रुव प्रकारी परमात्मा को स्वीकार करने में लगा दो चेतन, कि वो अविनाशी तत्व ही वो शक्ति में आप तो अपनी पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य अपने ध्रुव परमात्मा सत्ता को स्वीकार करने में लगा दो भगवान। यह अपनी शक्ति को अपने लिए लगा दो भगवान, सुनहरा अवसर है, बहुत सुनहरा अवसर है ये जिनेन्द्र भगवान की देशना का मिलना, ये वीतराग तत्व की महिमा का मिलना, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी का मिलना, ये बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा अवसर आया भगवान। मोनहार काल लब्धि और आपका उपादान स्वयं आपको चेता रहा है, आपको कितना निर्भय कर रहा है ये जिनेन भगवान का उद्देश्य, कि भगवान ना तुम राग से जड़ो, ना तुम द्वेष से जड़ो, ना तुम कर्तव्य भाव से डरो, तुम तो इन्हें अजीब जानो, अजीब, और मैं जीव आत्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, मैं ज्ञाता निष्ठा परमात्मा हूँ, अपनी शक्ति का अपने इस शाश्वत स्वभाव का बार बार बोध जगाओ, बोध इसका नाम साधना चेतन। इस चैतन्यता के बोध पे ही पूरा मोक्ष का मार्ग खड़ा हुआ था, इसके अलावा कोई दूसरी साधना अपने गुणों की अनुमोदना करने के अलावा, अपने गुण में सत्ता का बहुमान करने के अलावा, अपने गुण में अतीन्द्र चतुष्टय स्वभाव में आचरण करने के अलावा, इस श्लोक में और कोई दूसरी मोक्ष मार्ग की साधना? इसलिए भैया यदि क्रियाओं की रुचि हो तो छोड़ दो, जैसे यहाँ बैठे हुए अधिकतर लोगों को नहीं है, यदि क्रियाओं की रुचि हो, संस्कारों की रुचि हो, पुण्य पाप की रुचि हो, तो सब कुछ छोड़ के आओ चेतन आत्मा, अपने गायक के लिए सबको छोड़ना ही पड़ेगा, यदि कुछ भी पकड़े हो तो परमात्मा सत्ता मिलने वाली, यदि परिणाम को भी पकड़े हो तो भी परमात्मा सत्ता नहीं मिलेगी, परिणमन को भी पकड़े हो तो भी परमात्मा सत्ता नहीं मिलेगी, सब कुछ छोड़ना पड़ता है सत्य को पाने, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, और बाहर से कुछ नहीं छोड़ना पड़ता भगवान, अंतर से सब कुछ छोड़ना पड़ता, बाहर से जो परिणमन अपनी अवस्था में चलता है, बाहर से जो सारी अवस्थाएं कर्मोदय रूप चलती हैं, लेकिन अंतर से अंतर मन से कहो, अब मन से कहना पड़ेगा क्योंकि अभी ज्ञान से लोग समझ नहीं पाएंगे, अंतर मन से कहो, अंतर मन से स्वीकार करना पड़ता है कि वह परमात्मा सत्ता ही मैं हूं, तब इस परिणाम से भिन्नता आती है, तब चेतनता का बोध आता है, अंतर हृदय से स्वीकार करना पड़ता है भगवान, ऊपर ही ऊपर काम नहीं चलता। एक घंटे हो गए, ऊपर ही ऊपर काम नहीं चलता, ऊपर ही ऊपर कुछ काम नहीं चलता भगवान। आज की तत्व देशना का सार, बस ये सार बोल के पूरा कर रहा है भैया, जान मुझ के अनजान मत पड़ो, जान मुझ के मूर्खता मत करो, अरे ज्ञायक को जान रहा है भगवान, चैतन्य को जान रहा है भगवान, आनंद में स्वभाव को जान रहा है भगवान, तुम तो ऐसे वीतराग कुल में जन्म लिए हो जहाँ दिनेन सर्व परमात्मा की वाणी के में गुणों की आराधना के अलावा कोई दूसरा उपदेश ही नहीं है, जहाँ अपने आत्मगुणों की पूजा के अलावा कोई दूसरी वंदना नहीं है, जिन वाणी के उपदेश के अलावा किसी दूसरे की आराधना नहीं है, हे भक्त आत्मा तुम तो ऐसे कुल में जन्म में हो, ऐसे पंथ में जन्म लिए हो जहाँ वीतरागता के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं, और उसमें भी अपूर्व अवसर कि तुम्हें अपने तत्व की श्रद्धा है, तुम्हें अपने तत्व की स्वीकारता है, तुम्हें अपने आत्मा अपने अंतर में विद्यमान निराकार चेतन में शक्ति का संधान है कि वो शक्ति में हूं भगवान, इतनी दुर्लभ में दुर्लभता को प्राप्त करके और उसमें से भी और दुर्लभता संधान को प्राप्त करने के बाद भी एकदम इस अजीब रूप परिणमन को अपना मान के मर जाओ, मरना ही है, मुर्दा का साथ देना मृत अवस्था ही है, यदि अभी भी एकदम अशुद्ध परिणाम को अशुद्ध पर्याय धारा को
अपना मान के निमृत हो जाओ, अजीब रूप परिणमित होते हुए अजीब रूप अवस्था को अपना मान लो, अपनी आंख से इस परिणमन को दे बैठो, अपनी मान से इस परिणमन को दे बैठो और अपनी चेतन शक्ति को भूल जाओ, अपने ज्ञान में आचरण को भूल जाओ। तो भगवान तुमसे बड़ा नादान इस दुनिया में दूसरा कौन हो? इसलिए भैया आज भव्य जीवों से एक अनुरोध, क्या? अरे जब जायक को स्वीकार किया है तो खुल के खेलो, जम के मारो, बिल्कुल पागल हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, बिल्कुल निष्प्रय हो जाओ, पर्याय परिणमन परिणाम परिणाम की परिणामों की धारा, कर्तृत्व की धारा, शरीर की धारा, मन की धारा, सुख की धारा, असुख की धारा, सबको पछाड़ पूरे में एक साथ फेंक दो। एक शब्द को पियो कि मैं जायक परिपूर्ण परमात्मा ही हूं, इसके अलावा सब भ्रम भ्रांति और एक साथ सबको छोड़ दो, सब मुर्दा को छोड़ दो, अजीब को अजीब मुर्दा ही तो है, एक साथ सबको छोड़ दो, सब सबको छोड़ दो, एक ही बात है, सबको छोड़ दो या सबको छोड़ दो, एक ही बात है भैया। इसलिए इस सबको छोड़ के एक चैतन्यमय स्वभाव के बोध को ही अपनी दृष्टि का विषय बनाओ, एक चैतन्यमय गुणों की आराधना को ही अपनी रुचि का विषय बनाओ, अपनी जायक की महिमा में, अपनी जायक की आराधना में अपना चित्त लगाओ। भगवान चिंता करो चिंता मणि जय रमना, बस इसके अलावा कोई दूसरी चिंता अपना विषय, इसके अलावा कोई दूसरी साधना अपना विषय, इसके अलावा कोई दूसरी आराधना अपना विषय, ठीक है? अब कहीं उलझना तो नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल नहीं उलझना, कोई कुछ कर सकता नहीं है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरुवर साधन करण लाल आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय नमोस्तु। नंद आनंद परमितांद मनो सिद्ध सुहा गुरु देख गुपति गुपति ज्ञान तारण तरण समर्पण धर्म जो कहो जिन वरि अर्थति अर्थ जो भैर नाश भविष्य मन ज्ञान पर देखो गुरु तो धर्म को शास्त्र को बार पढ़ा के पढ़ लो, जो स्तुति पढ़ना है वही पढ़ लो। जय नमोस्तु तत्त्वं च गंधियानन्दिमं।